हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बुला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत एक न्यू जनरेशन ड्रग के बारे में जो आजकल काफ़ी प्रचलित है और उपयोग में आती है। इस दवा का नाम है टोफैसिटिनिब। दोस्तों वापस सुन लो, टोफैसिटिनिब। ये एक एंटी रूमेटिक ड्रग है, यानी वो दवा जो गठिया बीमारी को ठीक करने में काफ़ी उपयोग में होती है। इसका जो ब्रांड नेम है, फेमस ब्रांड नेम, उसका नाम है जैक्सीस। तो दोस्तों आज हम इस बीमारी के बारे में, जो नई दवा आई है टोफैसिटिनिब, इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देख रहिएगा। दोस्तों लास्ट 10 ईयर से टोफैसिटिनिब हैज़ इमर्ज्ड, यानी एक नए ड्रग के रूप में, एक नए हथियार के रूप में डॉक्टरों के हाथ में आया है गठिया ठीक करने के लिए। बट दोस्तों ये ध्यान रखना कि इस दवा को यूज़ करने से पहले बहुत प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। डॉक्टर्स को, पेशेंट को इवैल्यूएट करना पड़ता है कि वो पेशेंट ठीक है क्या इस दवा को लेने के लिए। इसलिए इस दवा की जानकारी हमारे पास और डॉक्टरों के पास, दोनों के पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो जैक्सीस दवा है टोफैसिटिनिब, इसके इंडिकेशंस कौन से यूजेस हैं, किस में इस दवा का उपयोग होता है, किन किन बीमारियों में, वो बताते हैं आपको। सबसे पहला है गठिया, यानी कि आरए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। सेकेंड है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी और सैक्रोइलियक जॉइंट्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें एक तरह का गठिया आता है, उसमें उपयोग होता है। तीसरा उपयोग है सोरियासिस, जो क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें हमारे स्किन के ऊपर मच्छी जैसे स्केल्स बन जाते हैं, सोरियासिस, और सोरियासिस की वजह से होने वाली अर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस। तो तीसरा उपयोग है इसका सोरियासिस और सोरियाटिक अर्थराइटिस। और चौथा प्रमुख उपयोग है, फोर्थ, वो है जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस, यानी कि जुवेनाइल यानी कि छोटे बच्चों में जो होने वाले जोड़ों के रोग हैं, जोड़ों में सूजन वगैरह आ जाती है। तो चार प्रमुख इसके उपयोग हैं। अब हमने बताया उपयोग, किन किन बीमारियों में इसको देना चाहिए, अब किन किन लोगों को नहीं देना चाहिए वो भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहला है प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और लैक्टेशन है, यानी कि बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो डॉक्टर्स ये दवा आपको नहीं देंगे क्योंकि बच्चे को या होने वाले बच्चों को इसमें खतरा है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है या लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी चुप बैठा है पर किधर न किधर हो सकता है कि टीबी बनने के चांस हैं आपको, तो इसलिए डॉक्टर आपका एक्सरे करेंगे और ऐसा दिखेगा उनको कि पेशेंट के अंदर लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है, यानी टीबी की बीमारी चुपचाप कहाँ बैठी है या शंका की हो सकती है, तो नहीं देंगे आपको। तीसरा इंडिकेशन है कुछ लोगों जिनको किडनी या लीवर संबंधी बीमारी है, रीनल या लीवर इम्पेयरमेंट है, तो उन लोगों में भी बहुत सोच समझ के दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। या जो वयस्क लोग हैं 65 इयर्स के ऊपर, बूढ़े लोग हैं जो 65 साल के ऊपर, और जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उन लोगों में भी इस दवा को अवॉइड किया था। तो ये कुछ चीज़ें हमने बताई, इन लोगों को नहीं दिया जाता। अब इस दवा का आपको बताएंगे साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। साइड इफ़ेक्ट्स तो दोस्तों हर दवा का मिलते हैं, इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि हेडेक यानी सिरदर्द होना, डायरिया, पतले दस लगना, नेसोफेरेंजाइटिस यानी कि नाक और गले का इन्फेक्शन होना, और बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, बार बार जुकाम खांसी लगना, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको ज्ञात होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि ये जो दवा है हाउ डज इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है। दोस्तों आपको एक सरल भाषा में समझा दूँ, ये जो भी हमने आपको बीमारियां बताएं जिनमें काम करती है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी वो बीमारियां जो हमारे शरीर में बनती है। तो ये दवा क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को, डिफेंस सिस्टम को वीक करती है, उसको इम्यूनो सप्रेसेंट करती है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को बोलते हैं भैया आप ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो, आप अपने शरीर का ही नुकसान पहुँचा रहे हो, तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, इम्यून सप्रेसेंट करता है। तो इस तरह से दवा काम करता है। इस दवा को हम बोलते हैं जैक इनहिबिटर, टोफैसिटिनिब इज अ जैक इनहिबिटर, जैक यानी कि जैनस काइनेज इनहिबिटर। जैनस काइनेज एक एंजाइम है जिस वजह से हमारे बॉडी के अंदर जोड़ में सूजन वगैरह आती है, इन्फ्लेमेशन होती है, बीमारी बनती है, उसको इनहिबिट करती है, इसलिए इस दवा को बोलते हैं, फेमस नाम बोलते हैं जैक इनहिबिटर, जैनस काइनेज इनहिबिटर, जो एक एंजाइम उसको इनहिबिट करती है। अब इस दवा को लेते समय डॉक्टर्स मॉनिटरिंग बहुत करेंगे, आपका CBC चेक करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, कहीं आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो रहा है, प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं हो रहे हैं, LFT करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे कि लीवर में कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, एंजाइम्स तो नहीं बढ़ रहे, रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, किडनी को जाँच करते रहेंगे, किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं रही, जैसे हमने आपको बताया TB टेस्ट करेंगे, TB का स्किन टेस्ट कर सकते हैं जो स्किन पर टेस्ट होता है, या एक्सरे निकाल के देखेंगे,
और ESR, CRP, RA factor कुछ टेस्ट है, तो डॉक्टर्स लगातार आपको जब ये दवा दे रहे हैं तो मॉनिटरिंग करने के लिए कर सकते हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर के साथ उनका साथ दीजिएगा। अब सेफ्टी एडवाइस, अल्कोहल और ड्राइविंग के साथ हम वैसे तो इस दवा को सेफ माना जाता है, परंतु अल्कोहल के साथ एडवाइस करेंगे नहीं लेना चाहिए। बाकी नॉर्मली अल्कोहल के साथ और गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग के साथ आप ले सकते हैं, उसका कोई खास वो नहीं, सीडेशन इफेक्ट नहीं है। प्रेगनेंसी लैक्टेशन में नहीं लेना है जैसे हमने बताया, और लीवर किडनी डिजीज सीवियर है, गंभीर है, तो डॉक्टर्स सोचेंगे आपको दवा देने के लिए, यानी कि कम देने की चेष्टा करेंगे। तो दोस्तों टोफासिटिनिब ये क्या करता है कि आपके बॉडी का जो इन्फेक्शन फाइट करने की क्षमता है इसको कम कर देता है, इसलिए आपको आप रिस्क पर हो आपको कि कोई सीरियस इन्फेक्शन हो जाए अगर डॉक्टर्स इसको सही तरह से मॉनिटर नहीं करें या आप ध्यान नहीं रखें इस दवा को लेते समय, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हमने एक न्यू जनरेशन ड्रग, एक नई पीढ़ी की जो दवा है टोफासिटिनिब, ब्रांड नेम जैक्सिस के बारे में बताया है, जिसको लेते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत अच्छी दवा है ये, इसकी तारीफ भी मैं करूँगा, बहुत अच्छी दवा है जो गठिया की बीमारी की वजह से जोड़ों का जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, नुकसान हो जाता है, पेशेंट गठिया बीमारी की वजह से बेड पर आ जाता है, इस दवा को सही तरह से लेने से वो चल सकता है, फिर सकता है, उसकी गठिया बीमारी रुक सकती है और एक नॉर्मल लाइफ जीने में उसको मदद मिलती है। इसलिए इस दवा को लेने में कोई हर्ज नहीं है, बस थोड़ा सा सावधान अपना आपको रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हमने आपको टोफासिटिनिब जैक्सिस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, आशा करते हैं वीडियो आपके उपयोगी होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सके। आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।